हमारे पास है 7.5। कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनको क्या करना, प्रूव करना। प्रूव का मतलब क्या था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड बनाओ या राइट साइड से लेफ्ट साइड, क्या बनाओ जी, प्रूव दो बनाओ। तो सांत्रिक हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास हमें जो सवाल है, क्वेश्चन है, और इसका क्या आंसर, हम लोगों ने इसे यहाँ पे आना है, मतलब सवाल का जवाब हमारे सामने, हमने इसे क्या करना है, ये बनाना है। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको अप्लाई करके क्या कर सकते हो, उसका आंसर लेके आ सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे जो प्रूफ करना, आपको फार्मूला आने चाहिए। हमारे पास जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब इसे हमारे पास तीन फार्मूले बन सकते हैं। कॉस स्क्वेयर यहाँ पे छोड़ दो, उधर जाके साइन स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वेयर यहाँ पे छोड़ दो, कॉस स्क्वेयर वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो मतलब तीन फार्मूले बन जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक होता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है जी, सीकेट स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, कोसेकेट स्क्वेयर थीटा, ये। और बाकी बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता है कि साइन हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किस चीज का जी, कोसेकेट का। इस तरह कॉस हमारे पास सीकेट का, टेन हमारे पास कॉट का, ठीक है। वो फार्मूले हमारे पास आपको आने चाहिए और आपको पता भी, बाकी मतलब ये फार्मूले इसमें हम क्या करेंगे, समझ लो यूज करेंगे अगर यूज हो जाए तो। तो सिंपल हमारे पास ये सवाल है और इसके क्या है जी, जवाब। आप लोगों ने यहां से क्या करना है, यहां पे आना है। तो यहां पे क्या करना है, तो वैल्यू पुट कर दो, या ये कॉस स्क्वायर के साथ सिंपल क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या लेना है जी, लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे क्या है जी, सीकेट स्क्वेयर थीटा और मल्टीप्लाई बाय साथ क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वेयर थीटा और फिर माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ये हो गया, ठीक हो गया। अभी यहां पे देखिए इनकी क्या करता हूं जी, वैल्यू पुट कर लेता हूं सिमन की, क्या करता हूं वैल्यू, जब इसकी मैं वैल्यू पुट करूंगा तो सीकेट स्क्वेयर मैं चेक करूंगा, सीकेट स्क्वेयर किसके बराबर हमारे पास होता है, टेन स्क्वेयर इक्वल होता है, इस तरह भी लगा सकते हो, या इन तो क्या करता हूं रिसिप्रोकल में लेके जाता हूं। तो सीकेट हमारे पास रिसिप्रोकल किसका होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, कॉस का होता है, किसका होता है, कॉस का। तो उसको मैं लिख सकता हूं 1 / cos² थीटा और मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या कर दूंगा जी, कॉस स्क्वेयर थीटा, इस तरह। अब देखिए कॉस स्क्वेयर के साथ क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, इस तरह कॉस कॉस के साथ क्या हो जाएगी जी, कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 - अब कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा, यहां से देखे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू फाइंड करूंगा इसके, और यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास बच गई जी माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो यहाँ पे 1 किसके बराबर है जी, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर के बराबर है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे सकते हो कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा और माइनस साथ क्या हो जाएगी जी, कॉस स्क्वेयर थीटा, ये माइनस, ठीक है। इस 1 की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब ये दोनों क्या हो गए जी, कैंसिल हो गए सिंपल। तो मेरे पास क्या बच गया जी, साइन स्क्वेयर थीटा, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। आखिर पे क्या लिखेंगे, सो प्रूफ, या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल आपके पास, मतलब ये आपके पास क्वेश्चन ही है, क्या है जी, आपके पास आंसर, आपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन आंसर पे आना है बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये तो पहला क्वेश्चन इसका, और इसकी क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद अगर हम सोल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं जी, ये 5 कर लेते हैं। 5 में क्या है जी, tan थीटा प्लस cot थीटा और इज इक्वल टू सीकेट इंटू कोसेकेट, सीकेट थीटा इंटू कोसेकेट थीटा, ठीक है ये। अब आपके पास मतलब ये क्वेश्चन है और ये क्या है उसका आंसर, आपने यहां से क्या करना है, यहां पे आना है। तो मैं क्या करूं, या तो इनको वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे हम कौन सी साइड लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए, टेन कॉट और सीकेट और कोसेकेट आंजी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेन की, टेन हमारे पास, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, साइन बाय कॉस होता है, ठीक है, साइन बाय कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा, उसको कॉस बाय साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, इसी जगह पे आ जाएगा जी साइन थीटा बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा, और प्लस इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास, कॉस थीटा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा। अब इनका क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम में हमारे पास साइन थीटा भी आ जाएगा और कॉस थीटा भी आ जाएगा, साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वेयर थीटा और प्लस कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक हो गया। अब हमारे पास साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर, ये चीज किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, तो यहाँ पे लगा दोगे 1 / साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये 1 के ऊपर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, इनको आप सेपरेट करके लिख सकते हो इस तरह कि 1 / साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 / कॉस थीटा, वापस ये चीज बनेगी ना, इसलिए कि हमारे पास कि हमने ये कंडीशन बनानी। तो जो सीकेट हमारे पास होता है किसकी रेसिप्रोकल, हमारे पास होता है जी कॉस के, ठीक है, और जो साइन होता है वो किसकी रेसिप्रोकल होता है जी, कोसेकेट के। तो इसको अगर मैं लिख दूं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पहले क्योंकि वहां पे पहले कॉस ही हो जाए,
तो 1 बाय cos थीटा इनटू 1 बाय sin थीटा कर दो सर। अब यहां पे उलट होता है, 1 बाय cos किसके उलट होता है जी, secant के, और ये किसके होता है जी, cos secant के। तो बस सिंपल ये क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। ठीक है, नीचे क्या लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मतलब आपको फार्मूले सिंपल आने चाहिए और आपके पास ये क्वेश्चन होगा, मतलब ये क्या इसका आंसर है, आपने क्वेश्चन से आंसर पे आना है, आंसर आपके सामने दिए गए आपको। तो अगर आपको फार्मूले आते हैं आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसको प्रूफ कर सकते हो, और ये चंद फार्मूले जो आप लोगों ने यूज करने बिल्कुल इजी तरीके के साथ। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को एक और, ये क्वेश्चन नंबर 14 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का जी, कॉस की पावर 4b, कॉस 4b माइनस साइन 4b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर बी। ठीक है, अब मतलब आपके पास क्वेश्चन ही क्या है, इसका आंसर है, आपने क्वेश्चन से क्या करना, आंसर पे आना है। हम कौन सी साइड ले रहे हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वेयर को, सॉरी कॉस की पावर 4 के, कॉस स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर, और साथ लगा दूंगा बी। ठीक हो गया, उसके बाद मतलब ये बी इसका क्या है, फंक्शन बी साथ यहाँ पे लगा दे बल्कि इधर। ठीक हो गया, माइनस अब यहां पे आते हैं, इसको क्या लिख दूंगा जी, साइन स्क्वेयर बी, और क्या लगा दूंगा, होल स्क्वेयर। अब ये फार्मूला बन जाता है सेप्टेड स्क्वेयर का, किसका, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको आप एक बार माइनस करोगे एक बार प्लस करोगे, यानी कि कॉस स्क्वेयर बी, और साथ क्या कर दूंगा जी, साइन स्क्वेयर बी, और यहां पे लगा दूंगा जी कॉस स्क्वेयर बी और प्लस साइन स्क्वेयर बी, इस तरह। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम चेक करें तो ये चीज हमारे पास जो होती कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर या साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1 होता है, क्या होता है 1। तो इसको अगर हम लेके आए तो इसको क्या लिख देंगे जी, कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर बी, और इसकी जगह क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस या कॉस स्क्वेयर प्लस साइन, ये हो गया। अब सिंपल जब आप यहां पे आते हो, ठीक है, इधर आते हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर, इसको एक बार क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, एक बार प्लस कर दोगे, या आप कॉस स्क्वेयर की जगह पे क्या कर दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, यानी हमारे पास अभी चीज बचेगी ना, कॉस स्क्वेयर बी माइनस साइन स्क्वेयर बी, ये बच गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज से ये चीज प्रूव करनी, तो हमारे पास जो कॉस स्क्वेयर है ये चीज है मतलब, ठीक है, इसको यहाँ पे आके क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, यानी इस तरह हो जाएगा कि कॉस स्क्वेयर थीटा या कॉस स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप थीटा की जगह पे फंक्शन क्या लगा दो जी, बी लगा दो, तो इसकी जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, ये चीज लगा दूंगा कि 1 माइनस साइन स्क्वेयर बी माइनस फिर साइन स्क्वेयर बी, ये चीज बन जाएगी। अब ये देखिए 1 और ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा जी, 2 और साइन स्क्वेयर बी, तो ये सर ये क्या आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आई समझ, मतलब ये भी पास क्वेश्चन ही क्या है, आपके पास आंसर, आपने क्वेश्चन से क्या करना, आंसर पे आना है, तो आप इस तरह आओगे, आपने सारे स्टेप यूज करने की, किस तरह यहां तक मैंने पहुंचना है। ठीक हो गया जी, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका 14। चलो एक आध और भी देख लेते, करवा लेता हूँ आप लोगों को, उससे देखिए अभी पास क्वेश्चन नंबर 7। मैंने कहा चलो एक अंडर रूट वाला भी करवा देता हूँ जिसमें अंडर रूट आया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या अंडर रूट आया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही क्या, इसे आपने राइट साइड क्या करना जी, प्रूफ करना है। तो हम ले लेते इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड, हम लेते कि साइन थीटा, ये साइन थीटा आप इसी तरह लगा दोगे, ठीक है, और ये हमारे पास अंडर रूट क्या है, 1 + tan² थीटा है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो कि बिकॉज 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सीकेट स्क्वेयर थीटा, इसके बराबर होता है। ये हमारे पास फार्मूला है, पहले आपको लोगों को लिखा चुका है, बुक में है, ठीक है, सारे फार्मूले। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या लगा दूंगा जी, सीकेट स्क्वेयर थीटा। अब जब आप देखो तो सीकेट ये स्क्वेयर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे जी, कैंसिल हो जाएंगे। जब हमारे पास बच गया क्या, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेट थीटा, ये बच गया। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप अगर ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अब आपने क्या प्रूफ करना, ये चीज प्रूफ करनी, तो आप इसे क्या करोगे, ये चीज बनाओगे, तो यहाँ पे लगा दूंगा जी साइन थीटा, और ये किसके रिसिप्रोकल होता है, कॉस का। सीकेट थीटा किसके बराबर होता है जी, सीकेट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय क्या होता है जी, कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रिसिप्रोकल होते हैं। तो इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा, 1 बाय कॉस थीटा, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 1 आर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये चीज किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होती है। तो सो प्रूफ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये 7.5, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रूफ के, बिल्कुल इजी, आपको सिंपल फार्मूले आने चाहिए, मतलब ये बस सवाल है और ये इसका कैजी जवाब है, आपने क्वेश्चन से आंसर पे आना है बस। ठीक हो गया जी,
उसके बाद कर लेते हैं एक और, ये लास्ट वाला इसका सिक्स वाला रहता है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज हमारे पास है जी 7.6। इसके क्वेश्चन सारे मतलब आपस में क्या हो रहे जी, मतलब मैच करते हैं, आसान से क्वेश्चन है। आप लोगों को सिर्फ जिसने मैंने बताया था फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए, फार्मूले आप यूज करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन है देखे, ए बिल्डिंग डेट इज 21 मीटर्स टॉल, कास्ट ए शेडो ऑफ 25 मीटर्स लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री। कहते हमारे पास एक हाउस है, घर है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी हमारे पास 21 मीटर, जबकि उस वो 21 मीटर जब सूरज की शुआएं उसको लगती हैं तो नीचे जो उसका साया बनता शेडो वो कितना हमारे पास, उसकी लंबाई कितनी है जी 25 मीटर। कहता है उस दौरान जो सूरज के जमीन के साथ एंगल बनता है वो आप लोगों ने क्या करना है जी, फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा, ठीक है, कितनी डिग्री का बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, एक मकान है, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे क्या है इसको सूरज की शुआएं लग रही है, इस तरह लगेंगी ना, तो यहाँ पे नीचे शेडो बनेगा साया जो होता है इस, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो शेडो है यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक वो हमारे पास कितना है 25 मीटर, ठीक है, और ये मकान ऊंचा कितना है हमारे पास 21 मीटर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, फाइंड करना है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है उसकी हमारे पास वो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, वो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल अगर हम क्वेश्चन में चेक करें तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है, एक हमें इसकी हाइट गिवन है, ये हमारे पास क्या होता है वाई, और एक हमारे पास इसकी क्या गिवन है, बेस गिवन, जो हमारे पास होता है एक्स, ठीक हो गया। तो हमें दो चीजें गिवन है, वाई और एक्स गिवन है, और आपने क्या करना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल आप लोग फार्मूला अप्लाई करोगे, क्या हो जाता है परपेंडिकुलर क्या होता है जी, बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसकी इक्वल होता है हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय क्या होता है एक्स। ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे, आप हम थीटा क्या करेंगे जी, फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो y हमारे पास कितना गिवन है 21 है, और x समय कितना गिवन है 25, ठीक है, ये मेरी फार्मूले में पुट करोगे, यहाँ पे लगा दूंगा tan theta is equal to x, सॉरी y कितना है 21 बाय क्या कर दूंगा 25, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये थीटा मैंने फाइंड करना है तो tan इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, थीटा यहाँ पे छोड़ दूंगा और tan जब इधर आके डिवाइड होगा ना तो जब ऊपर लेके जाऊंगा tan की पावर क्या हो जाएगी माइनस वन, यानी कि tan इनवर्स 21 बाय कितना हो जाएगा जी 25, सिंपल। तो यहाँ पे थीटा आप इस क्या करोगे 21 पे 25 को क्या करोगे डिवाइड करोगे और उसे क्या लोगे जी इनवर्स लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो पहले तो क्या करोगे 21 पे 25 को डिवाइड करोगे, 21 और डिवाइड बाय क्या कर दोगे जी 25 करोगे, ठीक है, डिवाइड बाय 25, तो ये तकरीब आ जाता है हमारे पास क्या, एक मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.84, कितना आ जाएगा 0.84 tan इनवर्स इंटू 0.84। अब इसका आप लोगों ने क्या लेना है, सिंपल tan इनवर्स लेना है, तो इसका अगर मैं tan इनवर्स लूं तो tan इनवर्स के लिए आदमी क्या करता है, जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे शिफ्ट का बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना, उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली tan इनवर्स, sin इनवर्स और cos इनवर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। आपने क्या लेना, tan इनवर्स इसका लेना, तो तकरीबन ये 40 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 40 पॉइंट कितना आ जाता है 40.030, ये तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एलिवेशन की डिग्री बन जाएगी, ठीक हो गया जी। अगर मैंने ठीक निकाला हो तो सिंपल आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, tan इनवर्स आप लोगों ने लेना 0.84 का कैलकुलेटर से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 40.030 का, ठीक हो गया जी। इस तरह दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं जी, सोल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये एक्सरसाइज था आपके पास, क्लोज हो गया, बाकी चलते आगे, ठीक है।